अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए बेबी गर्ल्स के लिए डिफरेंट स्टाइल्स के कपड़ों की कलेक्शन लेकर आई हूँ। लॉन के ड्रेसेस हैं और इन पर किस तरह से हम लोग इनको बहुत ही अच्छी लुक, प्रिटी लुक दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को पहनी हुई अच्छी लगे। और ये जो हैं 11 ड्रेसेस हैं, तो मैं आप लोगों को इनके बारे में डिटेल से बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ड्रेस नंबर 1 से। जी, तो ये है ड्रेस नंबर 1। ये मैंने स्टिच करवाया है, लॉन है, थोड़ा से शिफॉन का ये जो घघरी यूज़ की गई है, और ये एक प्लाजो है, ट्राउज़र है। इसके यहाँ पे गोटा लगाया गया है, यहाँ पे भी गोटा लगाया गया है। और जो गले के बारे में है, गले में ये जो है ये बो बनाकर इसके ऊपर तीन तीन मोती लगा दिए गए हैं। ठीक है, गला बैन वाला है। और अगर पीछे से दिखाऊं, अब पीछे जो है वो ये ज़िप लगाई गई है। ठीक है, और ये एक सिंपल सा बड़ा ही प्यारा सा फ्रॉक है। तो चलते हैं ड्रेस नंबर 2 की तरफ। जी, ये है ड्रेस नंबर 2 और ये भी लॉन पे है। और इसमें जो है वो मैंने ट्राउज़र में इस जगह सीढ़ी फीता यूज़ करवाया है, यहाँ पे भी सीढ़ी फीते की कलियाँ डलवाई हैं, और एक छोटी सी पॉकेट और ये लेस यूज़ की है। ठीक है, घेरे पे और गले का इस तरह से डिज़ाइन है, यहाँ पे दोनों साइडों पे जो है ये लेस लगवाई है। और ये लॉन्ग फ्रॉक है, तो इसकी बैक साइड कैसी है दिखाती हूँ। जी, ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पे ज़िप लगी हुई है ताकि गला खुला रहे, अच्छे से पहनाया जा सके, और बैक पे भी ये सीढ़ी फीता लगा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं ड्रेस नंबर 3 की तरफ। जी, ये रहा ड्रेस नंबर 3। तो इसके दो कलर्स, दो तरह के डिज़ाइंस की जो है वो, दो तरह का जो कपड़ा है वो यूज़ किया गया है, एक प्लेन ब्लू है और एक प्रिंटेड ब्लू है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कढ़ाई करवाई थी और ये एक छोटी सी पॉकेट लगाई है, जिस तरह की ये पजामा है, पजामे और सूट के नीचे ये वाइट कलर की क्रोशिया लैस लगाई है। बहुत ही सिंपल सी लैस है, ना ये ख़राब होती है और ना ही इसका कुछ और मसला बनता है। और गले पे सामने बटन लगाए हैं, और इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। बैक साइड जो है वो भी जो है वो शलवार के कपड़े की जैसी है, पीछे वही कॉम्बिनेशन बनाया है, और ये बैक साइड पे भी ज़िप लगाई है ताकि बच्चे को पहनाना आसान हो। चलते हैं ड्रेस नंबर 4 की तरफ। जी, ये है एक फ्रॉक और बहुत सारी चुनट्स के साथ खुला सा एक फ्रॉक है। इसके नीचे ये एक छोटा सा फ्रिल के साथ प्लाजो टाइप, शरारा टाइप, क्या होता है ये, व्हाट्स एवर। तो इसके नीचे ये लैस लगवाई है। ठीक है, मल्टी कलर्स में लैस है, और उसी लैस का एक छोटा सा फूल बनाकर यहाँ पे पेटी पे यूज़ किया गया है, और शोल्डर्स में लैस दी गई है, और ये बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसकी बैक साइड दिखाते हैं। जी, तो बैक साइड पे जो है वो एक टिच बटन लगाया गया है। ठीक है, टिच बटन लगाया गया है, और साथ में ये बेल्ट जो है ये लगाई है बांधने के लिए। ठीक है, तो बैक साइड पे लेस यूज़ नहीं करवाई, तो अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है, तो चलते हैं ड्रेस नंबर 5 की तरफ। जी हाँ, ये सूट बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। एक कल ये जहाँ पे प्लेट्स वाली फ्रॉक बनाई है, इस पे ये पहले खुद ही मैंने कढ़ाई करवाई थी हमने, और इसके साथ ये एक बो स्टाइल में ट्राउज़र बनवाया है। ठीक है, यहाँ से ओपन रखवाया है ये सारी पाइपिंग के साथ, और ये बहुत, ये लीलन में है, और अब से जो पहले ड्रेसेस दिखाए थे वो सारे लॉन पे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ऑरेंज और ब्लैक का, मुझे तो बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे ये जो है ये कलियाँ डाल के यहाँ से क्लोज़ करके, और यहाँ से इसका ये जो है वो खुला हो जाता है। ठीक है, तो दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो है वो बोस लगाई गई हैं, बो बना के लगाई गई है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और जैसे ट्राउज़र के पांचे पे लगाई गई है, वैसे ही यहाँ पे शोल्डर्स पे भी लगाई गई है।
तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, तो बैक साइड पे एक टिच बटन लगाया गया है इतनी सी स्पेस छोड़ के, ताकि सर गुजरना इजी हो जाए। चलते हैं ड्रेस नंबर 6 की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक और ड्रेस, इसके साथ एक बड़ी ही खूबसूरत सी जैकेट है, ठीक है। ये भी खुद ही कढ़ाई करवा के, खुद ही सिलाई करवाई गई है, और ये एक फ्रॉक है। इसके बाजू भी इसी तरह चुनट्स वाले रखे हैं। फुल साइड पर जो है वो पाइपिंग करवाई गई है। इसके साथ दो तरह के जो हैं वो पजामे हैं, एक ये वाला पाइपिंग के साथ और दूसरा ये सीढ़ी फीते के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब मुस्की ने पहना था, मेरी बेटी ने। तो चलते हैं ड्रेस नंबर 7 की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो ये फ्रॉक नंबर 7 है, ग्रीन कलर के छोटे छोटे से फूलों वाले डिज़ाइंस के साथ। ये भी लॉन पर है और इसके गले पे इस तरह से येलो लेस के साथ ये डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ से बटन रखवाए हैं ताकि इसको खुला जा सके, और ये इस तरह से इसके खूबसूरत से बाजू हैं, ठीक है। और ये दो लेयर्स के साथ ये इसका डिज़ाइन बनवाया है फ्रॉक का। तो ये इसका पजामा है, नीचे ये और इसके बाजू सेम, ठीक है। और इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड भी उसी तरह से। तो चलते हैं ड्रेस नंबर 8 की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो ये है ड्रेस नंबर 8, बहुत ही खूबसूरत सा बैलून्स के साथ कलरफुल सा। यहाँ बॉटम में जो है वो फ्रिल लगवाई है, और ये पंजाबी के बॉटम में भी ये फ्रिल लगाई है सेम इस तरह की। ये छोटे छोटे बैलून्स के साथ फ्रिल है, ये बड़े बैलून्स के साथ जो है इसकी टॉप और ट्राउज़र है। ऊपर खूबसूरत से शाइनी से येलो कलर में बटन रखवाए हैं। ये सारी ओपन शर्ट है, ठीक है, दिखाती हूँ। ये देखिए, सारी ओपन शर्ट है और ये बाजू इसके छोटे छोटे से फ्रिल के जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस, सिंपल सा, गर्मियों के लिए बहुत 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 मुनासिब। तो फ्रेंड्स, अगला ड्रेस नंबर 9। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्रेस नंबर 9 है और बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक है, स्लीवलेस फ्रॉक है, मल्टी कलर्स में, चेक में जो है वो इसका प्रिंट है। तो ट्राउज़र इसका और फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत कपड़े में है, लॉन पे है, और इस पे मैंने मल्टी कलर की जो है वो लेस यूज़ करवाई है, और उसी लेस से यहाँ पर एक और छोटी सी वो बनवाई है, ठीक है। स्लीवलेस है और इसके साथ दो ट्राउज़र्स हैं, एक ट्राउज़र पे ये नॉड है, बहुत ही खूबसूरत सी कैप्री सी बनती है, कैप्री स्टाइल है, और दूसरी पे सेम जो है वो लेस यूज़ करवाई है, ठीक है। तो इसका बैक साइड दिखाते हैं। जी फ्रेंड, तो ये इसकी बैक है, और बैक पे यहाँ गले पे एक टिच बटन लगवाया है, और साथ में ये एक बेल्ट दी गई है इसको टाइट और लूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको सूट ये भी बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद आए, तो और लोगों ने भी बहुत पसंद किए जो मेरे रिलेटिव्स में हैं, तो आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं ड्रेस नंबर 10 की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये है ड्रेस नंबर 10 और बहुत ही खूबसूरत सी अम्ब्रेला फ्रॉक, और इसका प्रिंट भी बहुत ही बेहतरीन है, इसके नीचे लेस यूज़ की गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ड्रेस, इस पे लेस यूज़ करवाई गई है, और ये टिश्यू के फ्लावर्स इसके बॉटम पे लगाए हैं, और उसी लेस से यहाँ पर जो है एक क्रॉस डिज़ाइन बनाया गया, उसके ऊपर एक टिश्यू का फ्लावर लगाया गया। तो इसके यहाँ पे ये जो बाजू हैं यहाँ पे, ये सब इस तरह से इनमें चुनट्स हैं, और ये आगे इसी कपड़े से ये पट्टी लगवाई गई है, और इसका चौरस गला है। इसके साथ दो तरह के ट्राउज़र पजामा हैं, एक ट्राउज़र है और एक चूड़ीदार पजामा है। चूड़ीदार पजामा जो है वो सिंपल है, और जो ट्राउज़र है उस पर ये रेड कलर की लेस और ये कपड़े के सिलाई से चुनट बनाए हैं, ठीक है, दोनों साइडों पर इस तरह से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ड्रेस नंबर 11 की फ्रेंड्स। ड्रेस नंबर 11 और एक पर्पल कलर में बहुत ही खूबसूरत सा कमीज और शलवार के साथ, इसके ऊपर एक दो फ्रेंड्स और वो झूला झूल रही है, ठीक है। ये भी खुद ही कढ़ाई करवाया था।
इसके छोटे छोटे स्लीव्स रखे हैं। फ्रंट और बैक का जो दामन है उसमें ये डिफरेंस रखकर गोल घेरे के साथ लेस लगाई गई है, और इसके गले पर जो है वो बटन हैं, शोल्डर्स पर ये भी ओपन होते हैं। जी मुझे ड्रेसेस के बारे में बताते बताते और गिनती करते चढ़ गया है, थक गई मैं। और इसके साथ जो शलवार है वो बेल्ट के साथ है, चुनर्स के साथ शलवार है, और इसकी पांचों पर भी लैस लगाई गई है। तो इसकी बैक पर भी क्या बनाया गया है दिखाती हूँ। बैक पे हुक लगाई गई है, ठीक है, ताकि ओपन करना और पहनाना आसान रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं ड्रेस नंबर 12 की तरफ। फ्रेंड्स ये रहा ड्रेस, सिंपल सा सॉफ्ट लॉन के स्टफ के साथ, छोटे छोटे पेंटेस के साथ, एक ये इलास्टिक डलवाई है शोल्डर्स में, और ये एक छोटा सा टॉप है, और इसके साथ ये दो जो हैं वो शलवार। बस बहुत सिंपल सा, गर्मियों के लिए बेस्ट। और चलते हैं ड्रेस नंबर 13 की तरफ। जी फ्रेंड्स ड्रेस नंबर 13 है, और एक ये कुर्ता है, कुर्ता और पजामा। कुर्ती की इस तरह तरीज़ों में जो है वो सीढ़ी फीता लगाया गया है, काज रखे गए हैं, और वो कुर्ती स्टाइल के ही बाजू बनाए गए हैं, और एक फट्टी बनाई गई है, और उस पर चार बटन, और ये सीढ़ी फीते से ही उस पर डिज़ाइन बनाया गया, ठीक है। और इसके नीचे जो है ये छोटे छोटे से कपड़े के इसी स्टफ़ के जो हैं वो ये बो से बनाकर जो है वो हुंडियाँ सी एक मोती लगाकर उनको पिरोया गया है, ठीक है, दोनों साइडों पर है, और इसके साथ ही एक खूबसूरत सा पजामा है। सो फ्रेंड्स ये था लास्ट ड्रेस, दैट्स इट्स डन। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और कैसे लगे आपको तमाम ड्रेसेस। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।